वेरी गुड हम इवनिंग। 1 घंटे लगाएंगे दे इसे। सकते, वेरी गुड, 1 घंटे का ही समय है, अगर आप दे पाओगे तो बहुत अच्छी बात है। लगाएंगे हम, श्योर। एंड देन यस, सो हाँ, स्क्वायर रूट फंक्शन, यस। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा ही था, मतलब हम लोग ये पढ़ ही रहे थे, स्क्वायर रूट फंक्शन का कुछ क्वेश्चन किया था एक, और बाकी देखना है। तो बेसिकली मैं एक ओवरव्यू बताऊं अगर, तो आज का क्लास यहीं से शुरू करेंगे स्क्वायर रूट फंक्शन से, और उसके बाद क्या करेंगे ना, कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है। एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर का उतना मुझे मिला नहीं, 12th क्लास का कंसेप्ट आ रहा है, तो दिक्कत हो रही है। जितने 11th के बच्चों को बताना है उतने ही तो क्वेश्चन बताऊंगी ना मैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन छांट के लिए है। देखते हैं कितना कर पाते हैं हम लोग। हाँ मैं 2 मिनट और रुक जाऊंगी बच्चों, क्योंकि 7:15 हुआ भी नहीं, और क्या है ना कि बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, 2 मिनट और वेट करते फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यस मैम, ओके मैम। मैं आपने रक्षाबंधन निभाया, राखी ओके मैम, निभाई मैम। माइक, माइक ऑफ है। मैं माइक ऑफ है। मैंने रक्षाबंधन बहुत अच्छे से मनाया, हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, कल घूमे फिरे, एंजॉय किए। मेरे दो दो भाई हैं ना, वो लोग कल से बहुत खुश है, कह रहे हैं आज भी राखी बांध दो। मैंने बोला दो मुझे कुछ तो बांधती हूँ, आज भी राखी कुछ बांधूंगी, देते रहो बस। गिफ्ट क्या मिला? अच्छा छोटे बच्चों से मैं क्या गिफ्ट लूंगी, फिर भी मेरी चाची ने किया, छोटे है ना बहुत, छोटों से हम लोग गिफ्ट नहीं लेते, उल्टा हम लोग देते हैं उनको। यस मैम, बहुत नुकसान होता छोटे छोटों का। ठीक है, सो 2 मिनट रुक जाती हूँ ताकि बच्चे कुछ ज्वाइन कर ले, जस्ट 2 मिनट्स में स्टार्ट करते हैं, सब कुछ तो रेडी है हमारा। पेपर से पहले एक बार तो रिवीजन करा देना, फिर पेपर में क्या है। माइक ऑफ है। वीडियो भी ऑफ है। बाय बाय। यस, गुड इवनिंग। सो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं ना, कुछ लोग जुड़ भी गए, अच्छा गुड किया था हमने। इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, बाय। किसको बाय कर रहे हो कि हाय करो, समझ ही नहीं आ रहा। मुझे बाय बोल रहे हो क्या क्लास शुरू होने से पहले? यस, सो आपका डेट एंड ऑल लिखा था हमने, नो मैम, नो मैम। अच्छा चलिए लिख देते हैं, मुझे तो लगा 1st सितंबर, 31st। 31st, अभी भी 1 दिन बाकी है ना सितंबर आने में। यस मैम। लेक्चर नंबर तो ये हमारा 11 ही होगा, 12 भी हो सकता है, कौन जाने, बट चलिए एज्यूम करके चलते हैं 11। स्क्वायर रूट फंक्शन, एक्चुअली 2 बैच है आपका, एक JE 2 का, एक JE 1 का। अब एक बैच तो आगे चल रहा है, एक बैच एक लेक्चर से थोड़ा सा पीछे चल रहा है, बड़ा दिक्कत हो जाता है इसमें लेक्चर्स काउंट करना, तो याद नहीं रहता उसकी वजह से। सो ऑब्जेक्टिव मैंने तो आपको वैसे भी बता ही दिया है कि स्क्वायर रूट फंक्शन तो पढ़ेंगे, साथ में प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी है हमारे। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मैंने छोटा सा रिकॉल लिया है, बहुत ज्यादा रिकॉल में क्या ही मैं डालती। सो ये हमने ऑलरेडी पढ़ भी लिया था डेफिनेशन, कि आपका स्क्वायर रूट क्या होता है। FX इज इक्वल्स टू, कोई भी फंक्शन अगर स्क्वायर रूट में है तो आप उसका रूट ही सॉल्व करोगे और वो स्क्वायर के अंदर ही रहेगा आपका। डोमेन क्या लिखोगे आप? डोमेन लिखोगे एक्स बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 0 to infinity पॉजिटिव स्क्वायर। एक और चीज हमें क्या बताता है कि स्क्वायर रूट आपका पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, तभी मैंने 0 पे क्लोज ब्रैकेट डाल दिया।
रेंज की अगर मैं बात करूं तो एफ एक्स मेरा कितना हो जाएगा, एफ एक्स बिलोंग्स टू अगेन 0, इंफिनिटी, क्योंकि जो आउटपुट डालोगे, जो इनपुट डालोगे उसी का आउटपुट मिलेगा, इनपुट ही नहीं पता तो आउटपुट क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा हमारा रेंज, बस वो एफ एक्स के टर्म्स में आ जाएगा, फंक्शन मिलेगा आपको. यस, सो आगे बढ़ते हैं जरा. सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज. हमने पहला क्वेश्चन एक देखा था और ये अब आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा. सो ये स्क्वायर रूट की इनइक्वालिटीज को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. एक्स प्लस फोर इज ग्रेटर देन टू अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर. तो इस बार अंडर रूट आपका सेकेंड पोजिशन पे है, ये सेकेंड पोजिशन, ये फर्स्ट पोजिशन, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे हम लोग, उसके बाद ही तो आगे बढ़ेंगे. पहले अंडर रूट वाले को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलेगा, केस टू ले लेती हूं मैं पहले, वन को बाद में करते हैं. सो ये हो जाएगा मेरा फोर माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो एंड इक्वल टू. क्यों? क्योंकि मैंने रूट हटा दिया, और रूट को मैं स्क्वायरिंग करके तो हटा नहीं सकती ना, एक ही पे रूट है, तो मैंने क्या किया, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब रूट हटा है तो ये मेरा पॉजिटिव में आएगा, प्लस जीरो भी पॉजिटिव होता है तो इक्वल टू जीरो भी आ सकता है. फिर क्या करूंगी, कैसे सॉल्व करूंगी मैं, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज लेस देन इक्वल टू जीरो. एक्स को मैंने नेगेटिव से निकाल दिया और पॉजिटिव में ला दिया, तो क्या हुआ, पूरा का पूरा मेरा नेगेटिव रीजन में फॉल कर गया. जीरो से कम मतलब नेगेटिव होता है, रीजन पूरा नेगेटिव में चला गया, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है. इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले सकती हूँ, तो मैं मेरा क्या होगा फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब एक्स प्लस टू एंड क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू जीरो, ये हो गया. ठीक है, फिर क्या करूंगी मैं, यहीं पे एक छोटा सा वेवी कर्व बना लेती हूँ. क्रिटिकल पॉइंट्स मुझे पता है मेरे क्या मिले हैं, क्या मिले हैं भाई, एक तो मिला है माइनस टू और एक मिला है प्लस टू, ये इंफिनिटी और ये माइनस इंफिनिटी, और ये हमें पता है प्लस माइनस प्लस, तो माइनस रीजन में फॉल कर रहा है, माइनस वाले को लॉक कर देते हैं. ठीक है, ये मैंने एरो बना दिया, क्लोज भी बना सकते हो, गोला भरने को जिसको कहते हैं, उतना मैटर नहीं करता यहाँ पर. तो प्लस माइनस प्लस भी हो गया, इसके हमने बना भी दिए हैं, बट आप अभी आंसर नहीं लिख सकते हो. क्यों? क्योंकि अभी आपने पूरा सॉल्व नहीं किया इनइक्वालिटी, पूरा सॉल्व करने के बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि एक्चुअल आंसर निकलता क्या है. अभी मैं क्या करूंगी बच्चों, केस वन को भी जरा देख लेती हूँ. तो अगर मैं केस वन को देखूंगी तो कितना है मेरा ये एक्स प्लस फोर, अब इसको मैं क्या करूंगी, लेस देन जीरो. ठीक है, एक्स प्लस फोर की तरफ भी तो मुंह खुला होना, सॉरी एक्स प्लस फोर की तरफ मुंह बंद होना चाहिए इसका, सबसे पहले लेस देन जीरो नेगेटिव में फॉल करेगा, तो क्या होगा मेरा, ये पूरा है मेरा नेगेटिव फॉल कर रहा है, ये पूरा क्या है मेरा पॉजिटिव. एक बात बताइए आप लोग, क्या नेगेटिव पॉजिटिव साथ में रह सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव से छोटा होता है, नो डाउट दिस इज एक्यूरेट, बट अगर मैं इसको सॉल्व करती अगर तो क्या करती, मैं क्या करती, x इज लेस देन माइनस फोर ही लिखती ना. तो x तो लेस देन माइनस फोर होता ही नहीं है, पॉजिटिव कैसे नेगेटिव से आपका कम हो जाएगा. तो एनीवेज आपका पॉजिटिव नेगेटिव साथ में नहीं रह सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इग्नोर करके चलेंगे वाले केस को. अगर आप इसको इग्नोर करके चलते हो तो अब एक और केस बनाना पड़ेगा. फाइनली याद रखना, आपको सॉल्व यही करना है जो क्वेश्चन ने दिया है, भले ही आप अभी खेल रहे हो, कभी इसको लेके कर रहे हो कभी उसको लेके कर रहे हो, बट एंड में तो दोनों को करना पड़ेगा. तो क्या इसका अंत करीब है? यस, देखते हैं. अब मैं क्या करूंगी, केस टू ले लिया, केस वन ले लिया, केस थ्री बनाऊंगी मैं. अगर केस थ्री बनाना है, पूरे को लेके सॉल्व करना है, तो मेरे को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा, तभी होगा. सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्वेश्चन क्या, एक्स प्लस फोर इज ग्रेटर देन टू रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर. कैसे करूंगी मैं इसको, एक्स प्लस फोर द होल स्क्वायर हो जाएगा, ये उधर का रूट हटेगा, और ग्रेटर देन फोर फोर माइनस एक्स स्क्वायर. टू का रूट होता है, टू का स्क्वायर होता है फोर, तो मैंने डायरेक्टली स्क्वायर करके लिख दिया. फिर क्या करूंगी मैं,
अब वहां से खोलूंगी ब्रैकेट, इसका ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं है, तो ये हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस 16 प्लस बी का स्क्वायर, मतलब सॉरी बी का स्क्वायर तो हो गया, प्लस 2ab, मतलब 8x ग्रेटर देन 4 4 जा 16 माइनस 4x स्क्वायर। ओके ये भी हो गया मेरे पास, अब सॉल्व करिए, अब तो अलजेब्रा आ गया ना, 4x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 8x, और 16 16 कैंसल हो जाएगा विच इज ग्रेटर देन 0। अब बताओ 5x स्क्वायर प्लस 8x को तो मैं फैक्टराइज भी नहीं कर सकती, तो इसको सॉल्व भी कैसे करूंगी मैं, एक्स स्क्वायर है मतलब एक एक्स को कॉमन ले लेती हूँ, तो 5x 8x हो जाएगा, तो एक एक्स को कॉमन लोगे आप तो 5x प्लस 8 हो जाएगा, एक्स तो चला ही गया बाहर विच इज ग्रेटर देन 0। इसका भी छोटा सा वेवी कर्व बना लेती हूँ जैसे पहले वाले का बनाया था, अगर इसका बनाऊंगी मैं तो यहाँ से मेरे को एक्स कितना मिलेगा, माइनस एट जीरो और माइनस एट अपॉन फाइव। यस 0 और माइनस 8/5 प्लस माइनस प्लस, तो ये आपका इधर को जाएगा और ये इधर को जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारा आपका ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव में ही फॉल करेगा ये। अब जब सब कुछ आपने सॉल्व कर लिया तो आपको इसको एक फाइनल आंसर तो देना पड़ेगा ना, इसका कुछ आंसर बनेगा, पहले वाले का कुछ आंसर बनेगा, तो एक ही बड़ा सा वेवी कर्व बनाते हैं और उसी से आंसर एनालाइज करेंगे, आंसर भी तो एनालाइज करना है हमें, ये माइनस इंफिनिटी है इंफिनिटी अगेन माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, तो माइनस 8/5 और 0। अब पहले वाले से क्या मिला था भाई हमको, पहले वाले से -2 +2 मिला था ना, उसको भी तो मैं इग्नोर नहीं कर सकती, -2 किधर आएगा आपका, इधर ही कहीं पे आएगा ना, यहाँ पे आएगा -2, ठीक है, और एक क्या आया था भाई, कोई हेल्प भी ना कर रहा, 2 आया था, एक और क्या आया था अपने पास जिसको इग्नोर करके बैठे थे, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या निकलता, -4 तो उसको इग्नोर कर दिया, दैट्स ओके, बट फिर भी उसका भी तो कुछ हक है। दिखाए। यस तो -4 इधर हो जाएगा आपका, अब सारे पॉइंट्स आ गए, अब सबके हम लोग को एरो डिसाइड करने हैं, तो -4 आपका कहाँ जाएगा, -4 आपका यहाँ जाएगा, इस तरफ को जाएगा, अगर ये इस तरफ को जाएगा तो -2 किधर जाएगा, देन -2 इधर को जाएगा, नहीं -8/5 कहाँ जा रहा है, यहीं से अगर आप देख लो तो ये इधर को जा रहा है, और -2 को आप अगर नहीं भी लोगे तो क्या करोगे, -2 +2 को लॉक कर दो आप, क्यों, क्योंकि आपने फर्स्ट वाले में ही लॉक किया था और वो हमारा माइनस का रीजन था, तो उसको पूरे को आपने क्या किया, यहाँ पे लॉक कर दिया, ठीक है, तो बचा क्या आपने पास एक 0। अब 0 किस तरफ जा रहा है, 0 भी तो हमारा पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा, ये भी कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, हाँ तो आपको कुछ ना कुछ तो इंटरसेक्शंस मिल गए हैं ना, आपको यहाँ पे भी एक मिलता है कॉमन, यहाँ पे भी एक मिलता है कॉमन, कॉमन अगर मिल रहे हैं तो आप आंसर कैसे लिखोगे, एक्स बिलोंग्स टू, मैं कैसे लिखूंगी, -2 क्लोज्ड ब्रैकेट में, -2 -4 इज इग्नोर्ड, उसका लाइन मैंने ले लिया है कॉमन में, सो इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, लिखेंगे नहीं, इग्नोर हो चुका है, तो -2, -8/5 मैं ले लूंगी यहाँ से, -8/5 को मैं ओपन ब्रैकेट में रख देती हूँ, यूनियन क्या करूंगी अब मैं, 0, 2, 2 को क्लोज कर देती हूँ, क्यों बोले तो 0 इज ओपन, कि 0 से पहले अगर कोई पॉजिटिव है या नेगेटिव भी है तो वो उसके लिए भी रास्ता खुला हुआ है, क्योंकि देख रहे हो -2 जाके +2 से मिल रहा है, मतलब नेगेटिव के लिए भी रास्ता खोलना है आपको, बट 2 पे इट इज क्लोज्ड, क्योंकि 2 भी आपका माइनस रीजन पे क्लोज हो चुका है, ये इस तरफ नहीं जा रहा है एरो उसका, तो यूनियन में 0, 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, आपका पूरा मैम आंसर इसी तरीके से बन जाएगा यहाँ पे। चले आगे, ये क्वेश्चन तो इजी था ना, मैम यस मैम ओके, ये आगे भी ना बढ़ रहा, हम ही को बढ़ाना पड़ेगा, यस चलिए ये भी आपके पास एक आ गया है, सो ये है आज का क्वेश्चन नंबर 2, एंड इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो √7 - x इज ग्रेटर देन x-1, फिर से क्या करेंगे, दो केसेस तो बनाना पड़ेगा ना हमें, तो मैं क्या करूंगी, केस वन लिख देती हूँ, किसी भी एक चीज को ले लो, आपको किसको लोगे, पहले वाले को ले लो, सेवन माइनस माइनस वन एक्स रूट से मैंने निकाल दिया बाहर, तो क्या लिखूंगी मैं, रूट से बाहर अपनी मर्जी से निकाला है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
फिर क्या लिखूंगी मैं, मेरा एक्स इज लेस देन इक्वल टू 7, क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो अब अगर मैं केस टू की बात कर दू, तो केस टू वहां से कितना हो गया मेरा, एक्स माइनस वन इज लेस देन 0, सो एक्स इज लेस देन 1। यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा रूट नहीं है ना जिसको मैं हटा के डाल रही हूँ, तो दिस इज लेस देन 1। अब पूरे को भी तो सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि केस थ्री भी बनेगा हमारे पास। तो केस थ्री में आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आती है तो रूट वाले फंक्शन में आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यस, बोथ साइड्स को अगर स्क्वायर करते हो तो क्या करोगे आप भाई, आप करोगे 7 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर। फिर 7 माइनस एक्स तो ऐसे ही रहेगा, वहां पे पहले ब्रैकेट खोलो आप, तो 7 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0, नॉट ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, क्योंकि साइंस भी तो चेंज हो रहे हैं, सो दिस इज लेस देन 0। सो फैक्टराइज करोगे तो 3 टू द 6 होता है, अगर 3 टू द 6 होता है तो x माइनस 3 एंड x प्लस 2 इज लेस देन 0। अब जब इसका भी क्रिटिकल पॉइंट आपको मिल गया है, इसका भी मिल गया, इसका भी मिल गया, तो एक फाइनल वाला वेवी कर्व बना के चेक करते हैं, सारे को डाल करके देखते हैं हम लोग क्या होगा, क्या होगा भाई, सारे को डाल करके अगर देखेंगे तो यहाँ से 3 और 2 मिलेगा ना, 3 और माइनस 2 मिलेगा, मतलब आपका एक 3 मिल रहा है, एक माइनस 2 मिल रहा है, और एक क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और एक क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है, एक्स माइनस प्लस माइनस प्लस 7 कहाँ जाएगा, एक्स इज लेस देन, मतलब 7 का डंडा आपका इस तरफ को जाएगा, क्योंकि ये जो x है वो लेस देन और इक्वल टू 7 है, तो लेस देन की बात अगर आती है तो वो क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव एक्सिस में फॉल कर रहा है, राइट। फिर 3 की बात आती है तो 3 कहाँ जाएगा भाई, 3 और माइनस 2 को आप लॉक कर दो, क्योंकि वो आपको सॉल्यूशन में मिला भी है, 3 और माइनस 2 को लॉक कर दो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे, 3 भी एनीवेज 0 से छोटा ही है और माइनस 2 भी 0 से छोटा ही है, तो साथ में लॉक हो गए हैं वो। बचा के आपने पास एक 1, अब 1 कहाँ को जा रहा है, x इज लेस देन 1, ठीक है, x इज लेस देन 1 बट x इज पॉजिटिव, सो इट इज गोइंग टू हियर पॉजिटिव, इज इट ओके, ओके, यस। चलिए, सो फाइनल आंसर अगर मैं इसका बताऊं आपको, तो x बिलोंग्स टू मेरा कितना बनेगा जो है, 3 और 2 है यहाँ पे, यहाँ पे है माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे है प्लस इंफिनिटी, 3 और माइनस 2 भी एक सम क्लोज है और बहुत सारे आपको वहां पे इंटरसेक्शन मिल रहे हैं, छोटू सा आंसर है माइनस इंफिनिटी कॉमा 3 ओपन ब्रैकेट, ठीक है, ताकि 7 भी आ जाए इसमें, और माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 1 सब कुछ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, यस मैम, यस मैम, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग समझ तो रहे हो ना, खाली यस यस नहीं ना कर रहे हो, समझ रहे हो ना, समझ रहे हैं, हमारा समझ, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है, अगर समझ आ रहा है तो, कभी कभी मैं ही घबरा जाती हूँ कि अरे इतनी जल्दी कैसे समझ में आ गया, फिर याद आता है इतना क्वेश्चन पढ़ चुके हैं तो समझ क्यों ना आ रहा। सो ये भी एक क्वेश्चन है, अब इसको समझने में तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट थोड़ा थोड़ा आप लोग अपना दिमाग लगाइए, मैं आपसे क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं कह रही हूँ, बस कह रही हूँ कि मुझे बताइए कैसे सॉल्व करना है, मैं कर दूंगी सॉल्व आपके लिए, थोड़ा सा आइडिया दीजिए, बताइए यहाँ पे हम कैसे कैसे कर सकते हैं, और ऑप्शन भी दिया हुआ है, क्या है ना, मुझे ये भी जानना पड़ेगा कि आपके दिमाग में क्वेश्चन को देखते वक्त कैसे कैसे आइडियाज आ रहे हैं, तो प्लीज अपना अपना सजेशन दीजिए। मैम पहले एक केस ले लें, पहले 5 कैसे करेंगे जरा वो बता दीजिए, मोड खोलेंगे, मोड को हटा देंगे तो पॉजिटिव में मिलेगा अपने को, नीचे भी मोड है डिनोमिनेटर में,
ये पूरे के पावर में है, ये है ना एक्सपोनेंट वाला क्वेश्चन है, हाँ ये आपका एक्सपोनेंट्स वाला क्वेश्चन है, पूरे के पावर में है। यस यस मैम, तो पावर को तो सॉल्व करना ही है, बट सिर्फ पावर को भी तो उठा के सॉल्व नहीं कर सकते। आप क्या करो, साथ में सॉल्व करो। साथ में अगर सॉल्व करोगे तो 1/5 ये होगा आपका, ये एक्स जो मॉड माइनस में है तो उसको मैं अगर प्लस में कर दूं तो ये मेरा कितना होगा, एक्स प्लस 2 ये हो जाएगा, और अपॉन में क्या मैं लिख दूंगी, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। कैसे लिखा रहा है, सो ये हो जाएगा मेरा मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, ठीक है, ये हो गया। ग्रेटर देन 25 को भी एक्सपोनेंट्स में तोड़ दो आप, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब दोनों जगह पे पावर पावर आ गए हैं, बट ये अभी भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, तो ये रैशनल नंबर के फॉर्म में है ना, यस मैम, ये रैशनल के फॉर्म में है, ये नहीं है, तो इसको भी इसी के फॉर्म में ले आते हैं हम लोग। अब डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लेकर जाओगे तो क्या पता है कि माइनस एक लगेगा ऊपर, पावर में माइनस लगेगा, यस मैम, क्योंकि मोड तो जब बाहर आएगा तो ऑलरेडी माइनस है ही, और एक माइनस जुड़ गया है, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, जो हम लोगों ने मोड की प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाना है मेरा, प्लस हो जाना है। तो अगर ये प्लस होगा बच्चों, तो कैसे लिखूंगी मैं इसको, लिखूंगी 5 to the power, क्या लिखूंगी मैं, एज इट इज लिख दूंगी, जो है वही लिख दूंगी ना, तो कैसे लिखूंगी बताइए, 5 to the power माइनस ना, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये होगा आपका मॉड यस में मैम, एक्स दस प्लस 2 अपॉन में, देन मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, माइनस टू, यस कुछ चेंज ही ना होगा मेरा, तो ऐसे ही रह जाएगा, मैम, ग्रेटर देन में 5 का स्क्वायर। तो अच्छा 5 5 को कैंसिल करने के लिए इतना मैंने रिस्क उठाया, अब क्या बचा मेरे पास, मॉड में एक्स प्लस बाबा टू ऑन में मॉड ऑफ एक्स एफ माइनस टू माइनस टू, इज ग्रेटर देन आपका 2 हो जाएगा। ओके, ये हो गया। फिर क्या करेंगे, फिर अब कोई मुझे बताए कि मॉड है, तो मॉड देख के तो बल्ले बल्ले हो गया ना, क्योंकि तो मॉड तो पॉजिटिव ही हो जाना है। देंगे हाँ, तो मॉड को हटाएंगे हम लोग, मॉड को हटाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, डोंट वरी। तो पॉजिटिव होगा तो मिलेगा क्या, इधर अगर मैं लिखूं तो एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 2, एनीवेज मेरे को कुछ मिलना नहीं है, दो क्रिटिकल पॉइंट्स तो मिल जाएंगे। तो क्रिटिकल मैम, पॉइंट्स में क्या मिलेंगे, अब क्रिटिकल पॉइंट्स में भी थोड़ा सा यहाँ पे आराम से और ध्यान से बोलिएगा, मेरे को क्या क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, मैंने एक्स को मॉड से निकाला और एक्स प्लस 2 को मॉड से निकाला, क्रिटिकल पॉइंट्स बताइए तो जरा। प्लस टू टू, बोलते रहिए, रुकिए मत, क्रिटिकल पॉइंट्स कितने, कितने, टू यहाँ पे का इतना क्या होगा आसान नहीं है, फिर, क्रिटिकल पॉइंट कितने, आप पहले इस माइनस पे टू ध्यान दीजिए टू, ना, मॉड वाले फंक्शन कैसे, -2 2, ध्यान से देखिए सेजल, मैंने क्या बोला आपको, क्रिटिकल पॉइंट बताइए, एक्स प्लस 2 पूरा मॉड में है उसका क्रिटिकल पॉइंट बताइए, और एक्स मॉड में है मगर माइनस 2 मॉड में नहीं है, तो मैम अब मुझे क्रिटिकल पॉइंट बताइए। -2 और 0, -2, 0, यस ठीक है, अभी ये क्रिटिकल पॉइंट सही है। 2 का क्या होगा, तो -2 है और ये 2 है, ये खत्म कहानी हो जाएगी इसकी, हम लोग यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करने नहीं बैठे हैं, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का क्या ही क्रिटिकल पॉइंट होता है, 0 ही हो जाएगा ना, वो तो इनइक्वालिटी के इस तरफ में है, तो उसको तो आप एज ए क्रिटिकल पॉइंट नहीं लोगे ना, 0 हो गया ना वो मैम, तो, बस उसके बारे में सोचना ही नहीं है हमें। तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट से अब मेरे वेवी कर्व तो नहीं बनेंगे मगर केसेस बनेंगे, क्यों, क्योंकि मॉड है, जब मॉड आता है तो अपने संग केसेस लाता है, पॉजिटिव तो होगा ही, चलो कोई बात नहीं, एक बार नेगेटिव भी होता है और एक बार, दोनों बार नेगेटिव होता है, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, एक बार दो नेगेटिव लेकर हम लोग सॉल्व करते हैं, ऐसे ही हम लोग करते आए, तो यहाँ पे सेम उसी तरीके से करेंगे, सारी पुरानी चीजें ही है, बस थोड़ा नए
नए नए क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको और कुछ नहीं, थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ इसको मैं, और मेरे एक केस यहाँ से बन जाएंगे, एक केस यहाँ से बन जाएंगे और एक यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। माइनस टू और जीरो, हाँ ये इंफिनिटी, ये माइनस माइनस इंफिनिटी, कोई बात नहीं। अगर ये इंफिनिटी मतलब ये आपका प्लस वाला रीजन हो गया, प्लस वाला रीजन मतलब वो, अब मैं मॉड वाले को सिर्फ सॉल्व करूंगी, ठीक है। तो मेरा ऊपर क्या था भाई, एक्स प्लस टू था, मॉड से हटा दो। अपॉन क्या था भाई, एक्स माइनस टू था, उसको ही मॉड से हटा दो। और क्या था, ग्रेटर देन टू दो था। अब सॉल्व करो, स्टिल मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी क्या, यहाँ पे सेजल क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी क्या, करूंगी मैं, सॉल्व कैसे करूंगी। टू को सर ले जाओगे? हाँ टू को उस तरफ ले आओ, तो एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू, माइनस टू इज ग्रेटर ग्रेटर देन देन जीरो, जीरो। तो जीरो हो गया वहां पे, पूरा का पूरा टर्म ही आपका जीरो हो गया। फिर यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूंगी तो मेरा हो जाएगा एक्स माइनस टू, ऊपर का तो एक्स प्लस टू मेरा ऐसे ही रह जाएगा, माइनस में टू एक्स प्लस फोर, प्लस टू फोर। प्लस फोर, टू टू जा फोर। यस सर, यस हाँ सर। हाँ सर ही बना दो मुझे आप लोग, कोई अरे बात नहीं, हो जाता है। आप सर की क्लासेस भी अटेंड करो, मेरी भी अटेंड करो, तो क्या ही। बस इतना ही मेरा काम था यहाँ पे, खत्म हो गया था काम, काम है अभी बहुत है। फोर और टू को क्या करेंगे भाई, फोर और टू को क्या करेंगे, ऐड एक्स माइनस सिक्स अपॉन एक्स माइनस सर टू इज, सिक्स होगा। नहीं होगा सिक्स, नहीं होगा, बताती हूँ क्यों नहीं होगा, मैंने पूरा डायरेक्ट लिख दिया, प्लस नहीं होगा। क्यों, माइनस क्योंकि कैसे होगा? आ गया आ गया। माइनस टू वो हो जाएगा माइनस एक्स प्लस सिक्स, तो माइनस एक्स प्लस माइनस। समझ गए ना, साइन को मैंने बस यस एक्सचेंज मैम, यस मैम। किया। हाँ मेरी स्क्रीन दिखने में कोई दिक्कत तो ना हो रही आज, मैम बहुत बढ़िया, भगवान का लाख लाख ठीक शुक्र है। चलिए लेस देन जीरो, तो उसके बाद अब मैं क्या करूं, बस तो यहाँ पे तो मेरे को और कुछ लग ही ना रहा है करने का, कुछ तो करना पड़ेगा अब मेरे को, क्या करना पड़ेगा। छोटू सा वेवी कर्व बनाती हूँ मैं, वहां से मेरे को क्या क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, टू। टू और सिक्स, टू और सिक्स दो ही तो मिलेंगे, तो ये यस पॉजिटिव, ये मैम। नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अच्छा अब मुझे क्या पता है कि पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाले को हटा देते हैं हम लोग, इसको लॉक कर देते हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव बचा, और ये पूरा आता भी पॉजिटिव एक्सिस में है ना। अगर देखो सेजल हो चाहे जितने भी बच्चे हो, देखे यहाँ पे ये इनइक्वालिटी का साइन क्यों चेंज किया, आपने मुझसे पूछा तो नहीं कि मैम चेंज करना जरूरी है कि अपने मन से कहीं भी उठा के कर देते हैं। नो देखो ये पॉजिटिव रीजन है, पॉजिटिव रीजन में नेगेटिव नंबर्स नहीं रह सकते, रहते भी हैं तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, डिक्लाइन करना पड़ता है, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए जो बन पड़ेगा हम करेंगे, तो हमसे जो बन पड़ा हमने किया। बट अब चलते हैं दूसरे केसेस में, यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है अपने को, ये बना दिया ना वेवी कर्व वो काफी है, इतना ही अपने को दिखाना है कि हाँ ये पॉजिटिव वाला हमने नंबर ले लिया है, ये भी पॉजिटिव और ये माइनस इंफिनिटी होता था, बट अभी यहाँ पे माइनस इंफिनिटी नहीं लिखना क्योंकि टू है ना आपके पास, ठीक है। अब जब आप लोग करोगे तो क्या करोगे, सेकेंड केस, तो सेकेंड केस मतलब माइनस टू टू जीरो, तो बच्चों इसके बीच में माइनस वन आता है आपका, राइट, माइनस वन आ जाएगा, हाँ ठीक है। यस, और ये हो गया आपका जीरो, तो जीरो तो मेरा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो केस तो मैं पहली चीज बनाऊंगी कैसे, केस कैसे बनाऊंगी मैं, जस्ट अ मिनट। हाँ बच्चों किसी स्टूडेंट का क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा, बार बार मुझे कॉल कर रहे हैं बट मैं रिसीव नहीं कर रही हूँ, तो एक बार उनके लिए मैं ओपन कर देती हूँ लिंक, फिर से ओपन हूँ, ठीक है। चलिए हम लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं। माइनस टू माइनस वन और जीरो, अब क्या है, फिर से मैं उसी को उठाऊंगी, यानी कि एक्स प्लस टू को अपॉन में एक्स माइनस टू, डिनोमिनेटर में माइनस ले लेती हूँ मैं, ग्रेटर देन टू, ठीक है। न्यूमरेटर में माइनस नहीं लिया मैंने, क्या किया, डिनोमिनेटर में माइनस लिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो मॉड एक्स था उसको मैंने चेंज किया था, माइनस से प्लस में बनाया था उसको, उसी को माइनस लेकर मैं चलती हूँ फिलहाल। तो अब क्या करूंगी,
देखो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, अब देखो मेरी बात, एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू, ये पूरा कट के 1 नहीं हो जाएगा, होगा ना, होगा, यस फिर भी एक माइनस मैम, रहेगा उसके सामने, होगा फिर भी एक माइनस ये वाला रहेगा, तो -1 इज ग्रेटर देन 2। अच्छा ठीक है भाई, क्या ये पॉसिबल है कि -1 2 से बड़ा हो जाए? नो मैम, इग्नोर, नहीं है तो नहीं चाहिए हमको हाँ भी वैसे। हाँ नो सॉल्यूशन। और एक चीज, इतना मैं ना भी करूं, अगर -1 2 ना भी करूं तो भी मेरे को क्या समझ में आता है कि माइनस रीजन एंड प्लस रीजन एक संग नहीं रह सकते, तो भी इस रीजन में जो फॉल करेगा वो इग्नोर ही होगा। ठीक है, अब तीसरा केस लेते हैं, तो तीसरे केस में मैं दोनों को नेगेटिव रखूंगी, ये पूरा मेरा नेगेटिव रीजन है, हालांकि होता तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, फिर भी -x -2 अपॉन -x -2 ग्रेटर देन 2, तो ये हो जाएगा मेरा अगेन कितना, ये हो जाएगा एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू, अब इनके सामने कोई माइनस नहीं है, सो ये मेरा हो जाएगा 1, सो 1 इज ग्रेटर देन 2। तो क्या 1 इज ग्रेटर देन 2 है क्या? 1 2, नो अगर ये भी नहीं है मैम, तो इग्नोर, तो नो सॉल्यूशन हो गया ये। ठीक है, दो नो सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन में आया है, कुछ ऑप्शन ऑप्शन दिया है क्या इसका, देखना पड़ेगा। चलो ऑप्शन एक्सप्लोर करो, 2 6 2 इनफिनिटी -6 -2, इसको तो हटा दो, ये भी हटा दो, कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाला ही बच रहा है, मतलब इन दोनों में से कोई एक होगा बच्चों। ठीक है, 2 6 2 इनफिनिटी, ठीक है, मैं तो चुप हो रही हूँ अब, ताकि आप लोग बोलो, लेकिन आप लोग भी चुप हो जाते हो, मैं चुप होती हूँ तो कौन सा आंसर हो सकता है? अच्छा खेल, आप भी बैकग्राउंड में खेल, म्यूट कर रही हूँ और इसके बाद आवाज आएगी तो फिर आउट करना पड़ेगा, एंड रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, आ गया, हाँ ये हो गया। ठीक है, अब x बिलोंग्स टू क्या क्या लिखूं बताइए, आप लोग बोल रहे थे क्या पहला वाला 2 6 या फिर इन्फिनिटी, कौन सा? बड़ा कंफ्यूजिंग है, मगर डिसाइड करना पड़ेगा। इन्फिनिटी नहीं आ सकता क्या, ओनली 2 6 आएगा? चलते हैं भाई ऑप्शन पे, 2 इन्फिनिटी आ सकता है या फिर 2 6 आ सकता है? बच्चों आई नीड योर ओपिनियन, ठीक है, बहुत मैटर करता है, ये बताएगा कि आपने क्या समझा है। सकता है, आ सकता है, ठीक है, चांस और कोई कह सक कोई और कहने वाला है कि नहीं आएगा मैम, ओनली 2 6 लेंगे? एक चीज देखिए, मैं टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहती, सिंपली बैठ के ऐसे टाइम पास मैं नहीं करना चाहती, क्या करती हूँ मैं आपको समझाती हूँ। देखिए क्या है ना, 2 6 इज द राइट आंसर, देखिए मैंने कॉमा की जगह फिर 2 लिख दिया, 2 6 इसलिए राइट आंसर है, ठीक है, इसलिए ये राइट आंसर है कि देख रहे हो 2 मतलब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ओके ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मगर प्लस माइनस प्लस वाले में मैंने माइनस को लॉक कर दिया, 2 और 6 के बीच में जो आया था माइनस, लॉक कर दिया उसको। अब क्या हो जाती है बात कि ये इन्फिनिटी तो ये भी तो इन्फिनिटी, इसलिए मैंने क्या किया क्लोज ब्रैकेट दे दिया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये डाउट है ना, मुझे डाउट नहीं मतलब हम सबको ये डाउट है कि 2 और 6 दोनों पॉजिटिव है, इन्फिनिटी भी पॉजिटिव ही है, बट क्या हम 6 को इग्नोर करके इन्फिनिटी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, इस केस में आप इस केस में लिख नहीं पाओगे, 2 को और 6 को इग्नोर करके आप 2, इन्फिनिटी नहीं लिख सकते, क्योंकि आपके पास पहली बात यहाँ पे कोई माइनस में नहीं है जिसको आप यूनियन में लेके लिखो, आपने सारे माइनस वाले को इग्नोर कर दिया है, तो जब इन दोनों को माइनस में लॉक किया तो प्लस प्लस बचा, मतलब 2 को ले लो और 6 को ले लो आप, और ओपन ब्रैकेट मैम जब रखा है तो जो थोड़ी बहुत मेरे डाउट थे ना, अरे मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही हूँ, इन्फिनिटी तो नहीं होना चाहिए, तो वो डाउट भी खत्म हो जाएगा। आपको अगर डाउट आएगा तो 6 लिख के ओपन कर दो, इन्फिनिटी उसके अंदर आ जाएगा, बट इन्फिनिटी लिख के ओपन करोगे तो भी 6 उसके अंदर आना चाहिए, स्टिल वो एक
डाउट केस हो जाएगा कि 2 6 आया तो आपने लिया नहीं, इन्फिनिटी को ले लिया डायरेक्टली, इसीलिए आपका आंसर 2 और 6 सही होगा यहाँ पर, इन्फिनिटी नहीं। समझे बात? अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग आज इतने अच्छे से यस क्यों बोल रहे हैं? मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। दाल में कुछ काला तो नहीं है ना? नो, मैं पूरी दाल ही काली है। पूरी दाल ही काली है? अरे काली दाल नहीं खानी है अपने को, पीली दाल खानी है, तो पीली बनाने की कोशिश करो। देखो मैं पीला कलर भी यूज कर रही हूँ। हाँ सेजल, पूरी दाल काली है। काली आती है बनाना। काली दाल को कैसे खाओगे? पीली दाल को खाओ ना, काली है तो उसको पीला करने की कोशिश करो। मैं तो नहीं समझाई आता ना पीला सब, बनाना। मतलब क्या कह रहे हो मैम? कुछ समझ नहीं आता, सब ऊपर से जा रहा है, ऐसा तो नहीं कह रहे है? चलिए ठीक है, आ रहा है तो। कितनी दिक्कत है ना आजकल की दुनिया में, मतलब हाँ बोलो तो भी दिक्कत, ना बोलो तो भी शक होता है। अरे भाई हाँ क्यों बोल दिया? ना बहुत कंफ्यूजिंग है ये। कोई हाँ और ना, बात नहीं, चलिए हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है इसको देखते हैं जरा, देख के तो बड़ा डरावना लग रहा है, थोड़ा सा तो मुझे भी डरावना लग रहा है, बट ठीक है, लॉगरिदम आया है तो कुछ ना कुछ तो लेकर ही आया होगा तोहफा। क्या करेंगे हम लोग इसको? 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर mod of x, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2√2। ठीक है ये हो गया आपका, ओके फाइन। पता नहीं कौन इतना परेशान है कि क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, बहुत सारे कॉल्स कर रहा है मुझे। मैंने तो लिंक ओपन कर दिया। चलिए ठीक है, 2x 2 mod of x 2√2, कहीं ना कहीं रूट है तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करूंगी मैं यहाँ पर, केस 1 लेती हूँ पहले, ये तो मॉड है ये √2 है, किसको सॉल्व करूंगी मैं? दोनों को सॉल्व करना है मेरे को। मैं केस लेके पहले क्या करती हूँ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा जो भी x होगा वो पॉजिटिव ही रहेगा, कहीं ना कहीं रूट को हटाकर ही मैं ऐसा कर रही हूँ, रूट को हटाकर मैंने ऐसा किया है। देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एनीवन हैज एनी आइडिया? एक्स इज ग्रेटर देन 0। अलग-अलग बच्चों अगर हम बात करें अलग-अलग केसेस के, तो आप यहाँ पे अलग-अलग केसेस कैसे बनाओगे? 2√2, अब पहले जैसे केस बनाते थे तो 2√2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसा लिख के मैं क्या ही करूंगी, कुछ तो कर नहीं सकती ना, इसमें तो 0 हो जाएगा ये, इसलिए मैंने इस पे अलग यस मैम, केस नहीं बनाया, अलग केस नहीं बनाया। तो जब इसको नहीं बनाया तो इसको बना के मैं क्या कर लूंगी? तो चलो दोनों को साथ में लेकर कर लेते हैं, साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर mod से निकला तो x मोर। हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 2√2, ठीक है, ग्रेटर देन 0 मैंने लिखा, बट अब मैं रियल वाले इक्वेशन को लेके सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, टू मैम, रूट टू फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगी मैं? प्लस में है तो ये आपका मल्टीप्लीकेशन में आएगा, रूल के अकॉर्डिंग 2 इंटू 2 टू द पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू, कोई इसको प्लस मत कर देना, 2√2, मैम 2 2 कैंसल, क्या बचा मेरे पास? मेरे पास बचा, अगर 2 2 कैंसल तो टू बचा 2 टू द पावर एक्स ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर टू 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 रूट टू अब रूट को भी कट हटा कट दे। गया ना। अच्छा खाली √2 बचा, ओके खाली यस मैम, √2 बचा, ठीक है, अब √2 को भी तो हटाना पड़ेगा ना, तो √2 को मैं कैसे हटाऊंगी, कुछ तो अला भला करना एरिंग ऑन पड़ेगा। बोथ साइड साइड स्क्वायर नहीं करते ना डायरेक्ट, रूट मतलब हाफ होता है, तो आप इसको हाफ लिख दो, 2 टू द पावर हाफ नहीं लिख सकते, स्क्वायर क्यों करने जाओगे इसको, टू का ओके आपको, मैम, अब इसका स्क्वायर कहाँ जाऊंगी मैं एक्स इज स्क्वायर? ग्रेटर देन हाफ। सो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, टू हाफ यस ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, चलिए एक तो मेरे को मिल गया, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, और कुछ क्या मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकती हूँ? खाली उतना करने से क्या आंसर मिल जाएगा मुझे? तो लॉगरिदम वॉगरिदम बता रहा है ये, तो केसेस बनाने पड़ेंगे मुझे। क्या केस मैं बनाऊंगी? केस 2 लूंगी मैं, एक्स इज
लेस देन जीरो मतलब इसको नेगेटिव रीजन में अगर मैं फॉल करवा रही हूँ, एक्स इज लेस देन जीरो नॉट इक्वल टू, नेगेटिव रीजन आ गया, तो मैं क्या बोलूंगी, टू टू द पावर एक्स प्लस टू टू द पावर माइनस एक्स। और एक क्वेश्चन आता है कि मैं ऐसा कर क्यों रही हूँ, वो भी तो सवाल है कि क्यों कर रही हूँ भाई, जब आ गया है आंसर तो, क्योंकि लॉगरिदम देख रहे हो आंसर में, लॉगरिदम है वो भी एक्सपोनेंट है, बिना लॉगरिदम के एक्सपोनेंट तो सॉल्व होने से रहा, तो मुझे लॉगरिदम के टर्म्स में आंसर निकालने के लिए एक्सपोनेंट को माइनस और प्लस करना पड़ेगा, और माइनस तभी कर सकती हूँ जब मैं पूरा का पूरा केस एज्यूम करूंगी नेगेटिव रीजन में फॉल करता हुआ। सो ग्रेटर देन इक्वल टू 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 द पावर रूट टू, ये नेगेटिव रीजन में है तो माइनस ऑफ एक्स ले लिया, बट इसका इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन को एज इट इज लिखा जाएगा, सॉल्व किया जाएगा तो टू टू द पावर एक्स प्लस वन अपॉन टू टू द पावर एक्स ये हो जाएगा, नेगेटिव है तो ग्रेटर देन इक्वल टू टू रूट टू ये हो गया आपका, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगी, अब क्या करूंगी मैं, अब ये नेगेटिव वाला जो मेरा डिनोमिनेटर में आया है तो इसने कहीं ना कहीं मुझे फंसा दिया, अब इसको तो सॉल्व करना बड़ा दिक्कत हो जाएगा मेरे लिए, तो उस केस में मैं अपने पुराना नुस्खा आजमाऊंगी कि लेट टू टू द पावर एक्स इज इक्वल टू टी, एज्यूम करके चलो आप, तो टी प्लस वन अपॉन टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू रूट टू, सो टी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे तो मैं एलसीएम नहीं ले पाती थी, तो टी स्क्वायर प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू रूट टू, और टी को मैं इधर ट्रांसफर कर दिया, टी तो इधर आराम से ट्रांसफर हो जाएगा एलसीएम लेने का, कोई दिक्कत नहीं है उसको, एक्स नहीं है वो अभी टी है। अब जब टी यहाँ चला गया, फिर इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगी, टी स्क्वायर माइनस टू रूट टू प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सबको मैं इस टू रूट टू टी होगा, टी नहीं होगा, यस सर, टी होगा या नहीं होगा, होगा, अच्छा टी टू रूट टू टी है, टी स्क्वायर है और ये टी है, ओके फाइन, यस मैम, ओके फाइन, मुझसे ज्यादा ध्यान से आप लोग देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, फैक्टराइज वैक्टराइज करने जैसा कुछ सीन बन रहा है अपना, तो देखते हैं, मगर फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो हमें कुछ ना कुछ कॉमन वॉमन लेके यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो ये होगा टी माइनस रूट टू, टी माइनस रूट टू अगर मैं ले लू, टू रूट टू नहीं लेके, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, पूरे को स्क्वायर माइनस, क्योंकि रूट टू इंटू रूट टू तो टू हो जाएगा, तो उसको मैंने स्क्वायर में ले लिया, माइनस में क्या बचा मेरे पास, टू बचा, तो टू को ऐसे ही लिखना पड़ेगा मुझे, अभी तो सॉल्व नहीं होगा ये, और क्या बचा, प्लस में वन बचा इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये मेरा पूरा का पूरा अभी तक का केस बन गया है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब मैं इसको सॉल्व करूंगी अगर, तो कैसे करूंगी, टी माइनस रूट टू होल स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू रूट टू का टी कहाँ गया, कॉमन ले लिया ना आपने उसको, अगर कॉमन ले लोगे आप, हाँ यस, तो ये टू माइनस वन वन, वन का भी स्क्वायर अगर मैं कर ली तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, तो मैं लिखूंगी टू माइनस रूट टू माइनस वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रही हूँ मैं, देन मैं लिखूंगी टी माइनस रूट टू प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये हो गया आपका, ये दो रेडी हुआ, अब ठीक है, यहां से तो मैं कुछ ना कर सकती हूँ, तो मेरे को क्या मिले, दो क्रिटिकल पॉइंट्स मेरे रूट टू के टर्म्स में मिले, कितने मिले, एक मिला रूट टू माइनस वन, एक कितना मिला रूट टू प्लस वन, ये प्लस माइनस प्लस, तो प्लस वाला कहाँ फॉल करेगा आपका, इधर को फॉल करेगा, और माइनस वाला कहाँ फॉल करेगा, इधर को फॉल करेगा, अब इस माइनस को मैं लॉक नहीं कर रही हूँ अलग अलग रीजन पे, क्योंकि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इतना करके मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देती हूँ, ठीक है, फिर देखती हूँ कि क्या मेरा कहीं आंसर निकल रहा है फर्दर, इतना करने के बाद भी क्या मुझे कुछ आंसर मिल रहा है, थोड़ा सा चेक करते रहना है बीच में, रूट टू माइनस वन रूट टू प्लस वन, लॉगरिदम सबके संग आ रहा है, अगर लॉग ना लगाओ तो जीरो इन्फिनिटी आ रहा है, जीरो इन्फिनिटी इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपका रूट टू सॉल्व भी तो होना चाहिए एंड तक, तो कहीं ना कहीं लॉग आएगा, बिना लॉग आए मानेगा नहीं, तो लॉग को लाने के लिए फिर मुझे कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे,
तो मैं क्या स्टेप उठाऊंगी बच्चों लॉगरिदम को लाने के लिए? यस, तो अब जो टी था उसको एक्स में कन्वर्ट करो आप, टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट टू प्लस वन, ठीक है। फिर क्या करूंगी मैं, इसको भी मैंने क्या ले लेना है, अगेन केस वन, जब टी है आपका ग्रेटर तो क्या होगा, टू टू दी पावर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट टू प्लस वन, टू टू दी पावर एक्स को ही हमने टी लिया था। अगर ये एक बार ग्रेटर होगा तो मैं आप क्या कर सकती हूँ, अब मैं लॉगरिदम को इंट्रोड्यूस करूंगी, कैसे, लॉग टू टू दी पावर एक्स टू दी बेस टू ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर भी लॉग को इंट्रोड्यूस करो, लॉग टू रूट टू प्लस वन, लॉग टू से आपने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लिया, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू लॉगरिदम रूट टू प्लस वन एंड ए टू, ठीक है, ये आपको आंसर मिलेगा। अब आप लोग ये सोच लीजिए कि कहां से आया, एक प्रॉपर्टी से ही आया है ये लॉगरिदम की, जो आपने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, एक्स निकल के उधर जाएगा, लॉग टू टू वन हो जाएगा, तो खत्म ना इधर का, तो क्या बचा मेरे पास, इधर का तो एक ही बचा, एक्स ही बचा ना, वो भी उस तरफ चला गया मैम, तो एक ये दोनों मिल गए मेरे को, ये कुछ ना कुछ मुझे आंसर के करीब लेकर जा रहा है। केस वन लिया था मैंने, अब मेरे को केस टू भी लेना पड़ेगा, तो मैंने केस वन को इतने जगह लेकर के सॉल्व कर दिया, केस टू मैं किधर सॉल्व करूंगी, सो केस टू को भी इधर सॉल्व करती हूँ, सो टी व्हेन टी इज ग्रेटर देन, अब क्या करूंगी मैं, टी इज लेस देन इक्वल टू रूट टू माइनस वन, ठीक है, ये हो जाएगा केस टू, एक बार प्लस वन एक बार माइनस वन, और टी वैसे ही रहेगा, साइन चेंज होगा, टू टू दी पावर एक्स इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट टू माइनस वन, देन यहाँ से भी आपको एक्स इज लेस देन लॉग के बेस टू के पावर रूट टू माइनस वन। ओके, आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा था ना लॉगरिदम का, अगर ग्राफ में आप देखते थे, अभी यहाँ पे थोड़ा वेवी कर्व की जगह ग्राफ देखना पड़ेगा, ठीक है, तो ग्राफ को अगर मैं देखूं आपका, तो लॉगरिदम का भी ग्राफ इंक्रीजिंग की तरफ ही जाता था, इंक्रीज होकर ही जाएगा ये, ठीक है, तो इंक्रीज होकर इसको एक एक वैल्यूज अगर मिल रही हैं, मैं क्या कहती थी इसको, व्हेन ए इज ग्रेटर देन वन, अगर ए आपका वन से बड़ा है तो आप जो भी वैल्यू डालोगे वो तो बड़ा ही होता जाएगा, और नीचे मतलब ये नेगेटिव रीजन में भी फॉल करेगा नीचे की तरफ जीरो, और ये आपका पॉजिटिव रीजन हो गया, ये पूरा का पूरा, ये मेरा ग्राफ था जो मैंने थोड़ा याद कर लिया, बट मुझे वेवी कर्व के टर्म्स में भी तो इसको देखना है, ये मेरा क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन लॉगरिदम ऑफ टू रूट टू प्लस वन, क्वेश्चन को देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ठीक है, अब ये भी x इज ग्रेटर देन था तो मेरे को मिला x इज ग्रेटर देन वन अपॉन टू, बच्चों हम लोग एक्चुअली समझ में आया है कुछ, हम लोग सॉल्व किस केस के लिए कर रहे हैं, अपना लॉगरिदम ऑफ रूट टू माइनस वन के लिए ही तो आप कर रहे हैं ना, प्लस टू के लिए क्या, हम लोग अब रूट टू माइनस वन के लिए कर रहे हैं, तो अगर आप माइनस वन के लिए करोगे, प्लस टू का तो हो ही चुका है आपका, तो क्या कर सकते हो, अब आपको फाइनल एक आंसर बताना पड़ेगा, तो मैं एक आंसर अगर लिखूं अपने हिसाब से आपको बताऊं, तो एक्स बिलोंग्स टू आपका हो जाएगा माइनस इंफिनिटी, वेवी कर्व बनाते हो तो माइनस इंफिनिटी से लोगे आप, कॉमा में लॉग अंडर रूट टू माइनस ऑफ वन, ठीक है, बेस टू, ठीक है, ये एक आंसर मेरा हुआ, तो यही आंसर क्या आपका भी होना चाहिए, यस होना चाहिए, बट सुनिए, ये ग्राफ भी मैंने देखा और यहाँ के आंसर से मेरे को इतना मिला माइनस इंफिनिटी टू लॉगरिदम रूट टू माइनस वन बेस टू, मगर मेरे पास एक और भी तो है वैल्यू, वो क्या है जो मुझे पहले केस से मिली है, पहले केस से मुझे क्या मिली है, ये देखो, एक्स इज ग्रेटर देन वन अपॉन टू,
ये पूरा क्वेश्चन इनइक्वालिटी सॉल्व करके मिला है. ग्रेटर देन 1/2 मतलब 1/2 टू इंफिनिटी भी इंक्लूड होगा. अगर 1/2 टू इंफिनिटी इंक्लूड होगा तो यूनियन में क्या आएगा, 1/2, इंफिनिटी. इंफिनिटी में क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा और 1/2 में आपका क्लोज ब्रैकेट लगेगा. तो ये वाला आंसर मैच कर रहा है अगर, तो ये सही हो जाएगा आपका. ऑप्शन डी ये सही होगा आपका ऑप्शन डी. आई होप कि सारे बच्चे समझ गए कि ये हमने किया कैसे. मैम बहुत अच्छे से. मैम चलिए यस बोलिए आप आगे बढ़ते हैं. अब देखिए भाई इसको ये कितने नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, 4 की 5 5th. ओके फाइनली हमने अभी 5th क्वेश्चन ले ही लिया. फिर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बड़ा आसान लग रहा है ये भी. क्या करोगे क्या करोगे केसेस. ओके क्वेश्चन भी पढ़ लो. कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, ये तो हमसे सेट मांग रहा है. अभी तक तो क्वेश्चन ने हमसे सेट नहीं मांगा था, क्या कहता था, सॉल्व द इनइक्वालिटीज एंड ऑल. कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सिग्नम फंक्शन की तरफ भी इशारा जाता है इसका. हालांकि पूरा सिग्नम फंक्शन नहीं लेने को मैं कह रही हूँ, बट फिर भी कंप्लीट सेट में आपका एक आता है डोमेन रेस्ट्रिक्शन. ठीक है, अगर डोमेन रेस्ट्रिक्शन की मैं बात करूं, डोमेन रेस्ट्रिक्शन को अगर मैं देखूंगी तो क्या बोलूंगी आपको, 2 to the power 2x minus 7 is greater than equal to 0. अब आप बोलोगे अरे मैम ये तो केस वन ही हो गया ना. यस ये केस वन हो गया, नो डाउट केस वन लेके सॉल्व किया हमने. ठीक है फिर कैसे सॉल्व करूंगी मैं इसको, 4 to the power x हो जाएगा, देन ग्रेटर देन इक्वल टू 7. हाँ फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू log 7 to the base 4. ये एक मेरे को मिल गया, इसको मैं शांति से आराम से रखूंगी. अब फिर से केसेस लेती हूँ मैं, डोमेन रेस्ट्रिक्शन मेरा लगा था उससे मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, डोमेन आए चाहे रेंज आए क्या ही फर्क पड़ता है, मैं तो अपना काम करती जाऊंगी. अच्छा चलो फिर क्या करूंगी मैं, अब मैं लूंगी अगेन केस वन. ये वन था, ये रोमन नंबर वाला वन लेके अब सॉल्व करना पड़ेगा. 2 to the power x minus 1 is less than 0. एक बार लेस देन जीरो, एक बार ग्रेटर देन जीरो लेके सॉल्व करना पड़ेगा. लेस देन जीरो मतलब क्या कहता है, ये 2 to the power x minus 1, क्या लेस देन जीरो होगा ये? नो मैम. ओके सो इसको आप कर दोगे इग्नोर एंड नो सॉल्यूशन. केस टू को यहीं पे लेके कहानी खत्म करते हैं. 2 to the power x minus 1 is greater than 0. ठीक है इक्वल टू भी आ जाएगा, क्यों बोले तो ग्रेटर देन है तो जीरो के भी इक्वल आ जाएगा, जीरो भी तो पॉजिटिव में आ रहा है. इसको कैसे करूंगी बच्चों मैं, 2 to the power x is greater than equal to 1. क्या 2 to the power x greater than होता है 1 से? मेरे को तो लगता है होता है, आपको भी लगता है. तो x is greater than equal to 0. लॉग मैम क्या कह रहे हो, लॉग लेने के लिए? अभी लॉग नहीं लेंगे यहाँ पे, यहाँ पे अभी लॉग नहीं लोगे आप. x is greater than 0 कैसे आया, 2 और 1 खत्म हो गया ना आपका, तो इनइक्वालिटी इधर क्या आई आपकी, 0 ही तो आई है. ओके मैम बस इक्वल टू के उस तरफ वाले को देखना. यस मैम यस. सो अभी मैं केस सबको मिलके सॉल्व करना पड़ेगा, अभी तो मैं एक एक करके कर रही थी. यानी कि मेरा केस 3 क्या हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगी अगर मैं तो मैं पहले ही लिख दूंगी क्या, बोथ साइड. अगर मैं लिखती हूँ फिर मैं क्या लिखूंगी, इधर में क्या था मेरा 2 to the power 2x minus 7 is less than 2 to the power 2x minus 2 into 2 to the power x plus 1 हो जाएगा. अगर मैं स्क्वायर करती हूँ बोथ साइड्स में तो ये मेरा ऐसा हो गया. ठीक है चलिए फिर क्या करूंगी मैं, 2 into 2 to the power x और क्या इज लेस देन, जो जो मेरा जा रहा है उसको जाने दो, 8 हो जाएगा ये.
फिर क्या होगा, टू टू द पावर एक्स इज लेस देन फोर, फिर क्या होगा, टू टू द पावर एक्स इज लेस देन टू टू द पावर स्क्वायर, सो एक्स इज इक्वल टू देन टू एस देन टू एस यस. अब फिर मेरे को अब फिर मेरे को आंसर अगर बनाना है तो मैं क्या बोलूंगी, मेरा एक्स इज लेस देन टू मतलब मेरा x बिलोंग्स टू 0.2, लेस देन होना चाहिए पॉजिटिव में, तो जीरो आएगा तो क्लोज ब्रैकेट एंड टू के बाद ओपन ही रहेगा ये, ठीक है. इंफिनिटी भी आ सकता है, इसने लेस बोला. पहले केस को भी चलो एनालाइज करती हूँ मैं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में जो सारे आ जाते हैं अपने, तो टू के बाद अगर मैंने लास्ट में ओपन ब्रैकेट डाला है तो दैट इज वेल एंड गुड. ये कौन सा x है, log 7 टू द बेस 4, वो भी आपका वो x से छोटा है, तो अगर वो x से छोटा है तो मैंने वो क्या करना है, अपनी समझ के लिए एक वेवी कर्व को प्लॉट कर लूंगी मैं. log 7 टू द बेस 4 x से छोटा है, और क्या है मेरे पास, एक 2 है, और क्या है, और कुछ है क्या, 0 भी है. Yes, ma'am. ठीक है, तो इन तीनों को मिलाकर मुझे अगर कुछ लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, x belongs to मेरा क्या हो जाएगा, log 7 to the base 4, log 7 to the base 4 और 2, ठीक है. और ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट की भी जरा बता दीजिए, क्लोज ब्रैकेट और क्लोज ओपन, ठीक है. Yes, ma'am. ऐसे ठीक, सारे बच्चे समझ रहे हैं ना, मैं बहुत धीरे धीरे और शांत होकर बोल रही हूँ, समझ रहे हैं सारे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine, चलिए ठीक है, ये भी आपका हो गया सॉल्व. अब दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन बाकी है. तो क्वेश्चन की जगह खाली स्लाइड आ रहा है, अच्छा ये एक बात की है. ये क्वेश्चन कहीं पे किया हुआ लग रहा है ना अपने को, ऐसा क्वेश्चन. Yes, ma'am. मुझे तो लग रहा है एग्जैक्टली किया था क्या, सिग्नम है बट यहाँ पे सिग्नम सिंगम वाला फीलिंग आता है सिग्नम के बारे में सोच करके. चलो इस सिंगम को सॉल्व करते हैं. तो ये क्या कह रहा है हमको कि आपका बनता है x माइनस टू अपॉन x प्लस वन लेस देन इक्वल टू x माइनस टू अपॉन टू. इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैंने इसको ऐसे ही एज इट इज उठा लिया. अब क्या करूंगी मैं, केसेस बनाऊंगी, दोनों तरफ को अलग अलग सॉल्व करना है ना. तो इसको मैं पहले ग्रेटर देन जीरो ले लेती हूँ. ग्रेटर देन जीरो अगर मैं लूंगी तो क्या बनेगा मेरा केस बच्चों, क्या बनेगा, नहीं समझे आप लोग, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप लोग बताओ. तो ग्रेटर देन जीरो अगर उधर ले जाएंगे, अच्छा एक्स प्लस वन को उधर लेकर जाओगे और एक्स माइनस टू अपॉन आपके पास नहीं लेके जाओगे, x प्लस वन को उधर नहीं लेकर जाओगे आप. यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स अगर निकालोगे तो क्या मिलेगा, टू और माइनस वन, माइनस वन और टू, इसको इधर मत लेकर जाना. तो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, क्रिटिकल पॉइंट्स भी निकाल लिया. अब क्या करूंगी मैं आगे का, थोड़ा 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 कुछ तो बताइए. ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, इधर जाएगा इधर जाएगा, माइनस वाले का तो कोई सीन ही नहीं है, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी तो शो के लिए लिख देते हैं हम लोग, इसको छोड़ देते हैं अभी, इसको नहीं देखते हैं. अब दूसरे को देखते हैं थोड़ा. अगर मैं दूसरे को देखूंगी तो क्या करूंगी, x माइनस वन अपॉन टू, इसको मैं क्या कर सकती हूँ, x माइनस वन अपॉन टू इज मेरा क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो. ओके चलिए, लेस देन और इक्वल टू मैंने जीरो ले लिया. अब क्या करूंगी मैं, टू टू को अगर मैं उधर लेकर जाऊंगी तो मेरा तो जीरो हो जाएगा, जीरो तो मैक्स वन आएगा. नहीं जीरो मेरे को लेना ही नहीं है, जीरो तो मेरे डिनोमिनेटर को जीरो कर रहा है, अब मेरे को वन लेना पड़ेगा, वन में ले सकता. तो मैं क्या करूंगी, एक्स माइनस वन इज less than equal to equals to 2, then x is greater than 3. फटाक से साइन को चेंज कर देना जहां भी आपको चेंज करने की जरूरत लगे. तो
आंसर को अपने एक नजर से देखते रहना, अरे मुझे लाना क्या है, ये चीज को बराबर ध्यान रखना। When x is greater than equal to 3, यहाँ पे हो गया माइनस वन और टू, और यहाँ पे भी आपका मतलब क्या है, इंफिनिटी है। इन दोनों के बीच में कुछ तो कॉमन सी बात लग रही है ना। यस मैम, तो इंटरसेक्शन वाली बात आ जाएगी इन दोनों के बीच में। अब और एक चीज अपने को क्या देखना है, जीरो की बात हो गई, वन की बात हो गई, अब तीसरी चीज क्या आती है, माइनस वन की बात। हम लोग क्यों कर रहे हैं जीरो वन और माइनस वन की बात बच्चों? सिग्नम है, सिग्नम है, यस, अपॉन एक्स प्लस वन। अब इस चीज को मेरे को क्या करना है, लेस देन जीरो, इसको मैं लेके देख लेती हूँ। तो ये एक बार ग्रेटर देन जीरो, एक बार लेस देन जीरो। लेस देन जीरो में मेरे को क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिल रहा है भाई, कुछ खास फर्क पड़ रहा है क्या? तो यहाँ पे मेरे को मिल रहा है माइनस वन और ये मिल रहा है टू। लेस देन जीरो में माइनस वाले को ब्लॉक कर दो, प्लस वाले को ऐसे ही रखो। और एक केस क्या बनेगा मेरा, एक्स माइनस वन अपॉन टू, ठीक है, एक्स माइनस वन अपॉन टू इज लेस देन इक्वल टू माइनस जीरो। जीरो वन हो गया, माइनस वन। अब सुनो, अब ये लेस देन इक्वल टू नहीं होगा, पॉजिटिव वाला माइनस से कैसे लेस देन इक्वल टू होगा, मतलब क्या होगा, इसके तरफ मुंह खुलेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, इनइक्वालिटी चेंज हुआ है, सब चीज साथ साथ लेकर चलना है। तो यहां से मुझे एक्स मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू कितना मिल जाएगा, माइनस वन। सॉल्व करके देखो, ये एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन, माइनस वन यहां से मिल गया, यहाँ पे थ्री भी मिल गया, ये इंटरसेक्शन में ले लिया, माइनस वन इधर है, इधर में कितना है, माइनस वन और टू था, तो यहाँ से भी तो आपको कितना मिला, एक्स बिलोंग्स टू कितना हो गया, ये माइनस वन टू। सबको एनालाइज करोगे तो कौन सा आंसर आपको निकल करके आता है, आंसर बी, माइनस वन और टू भी है, कहानी खत्म, बेबी कर्व बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी और आंसर ऐसे ही सॉल्व हो गया आपका। ठीक है बच्चों? यस मैम। ओके, तो अब अगर मैं एक ही क्वेश्चन मेरा बचा है, ठीक है, और ये क्वेश्चन अभी सॉल्व हो नहीं सकता है क्योंकि टाइम ओवर हो गया, शायद आपका क्लास होगा या नहीं भी होगा, उस एक क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के भी बचा दिया क्योंकि मेरा भी नेक्स्ट क्लास है, हम लोग उसको रिकॉल टेस्ट में लेंगे। ओके, रिकॉल टेस्ट में लेकर के उस एक क्वेश्चन जरूर सॉल्व करेंगे, एक लाइन का खत्म हो जाएगा, वो दो मिनट लगेंगे बस उसको, बहुत इजी है वो। तो हमारा कंक्लूजन तो फाइनली निकल गया, स्क्वायर रूट फंक्शंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने थोड़ा स्टडी किया है, उसको रिकॉल टेस्ट में लेने के बाद आपके पास एक होमवर्क बचेगा, होमवर्क को जरूर ट्राई कीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, यस मैम, पीडीएफ आपको ग्रुप में चला जाएगा, एंड अभी का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने अगले क्लास में, यानी कि कल। यस मैम, बाय मैम, यस मैम, बाय बाय, गुड नाइट।